हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। ओके, और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट की फीचर के बारे में जो कि है फेडरलिज्म। ओके, तो हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर एंड किया था वहां पे हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के ऊपर क्या जिम्मेदारी थी, उनके लिए क्या कंसर्न्स थे, ठीक है, और उन्हीं सब चीजों को बैलेंस करके ये की फीचर्स बने। मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी डाइवर्सिटी को लेके, नेशनल यूनिटी को लेके, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए उन्होंने जो है की फीचर्स लिखने स्टार्ट किए। और सबसे पहला जो की फीचर है वो है फेडरलिज्म। ओके, और मैं आपको ये कह रही हूँ अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको ये जो है फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फेडरलिज्म मींस दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक सिस्टम है। कोई भी कंट्री जो फेडरलिज्म को अपनाते हैं उसमें क्या होता है कि उनकी कंट्री में गवर्नमेंट के लेवल को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली तीन लेवल में ही डिवाइड किया जाता है, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल और एक लोकल लेवल। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जिसे इंडिया में पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, तीसरे गवर्नमेंट के फॉर्म को। ठीक है, क्या आपको समझ आ गया कि फेडरलिज्म का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल और स्टेट हो और थर्ड टायर को बनाया ना गया हो। ठीक है, पर अपने कंट्री में क्या है, तीन लेवल्स फॉलो किए जाते हैं जब गवर्नमेंट की बात आती है। तो ठीक है, तो इसमें बेसिकली डेफिनेशन में आपको ये लिखना है जो मैंने आपको समझा दिया। साथ ही में देखो, सबसे पहले आ गया लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सबसे छोटा है, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट, और फिर पूरे कंट्री को रूल करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पे रूल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट में, हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, वैसे ही साथ में लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे हम हमारे कंट्री में देखते हैं पंचायती राज, ओके, हर विलेजेस में होते हैं, तो ये भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट एंड एट द सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। इनको क्या कहा जाता है, टायर कहा जाता है। टायर मतलब वो वाला टायर नहीं, मतलब लेवल। ओके, टायर का मतलब होता है लेवल। तो इंडिया में पंचायती राज जो है वो थर्ड टायर है गवर्नमेंट का। बट बात यह है कि ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट पे है, सेंट्रल पे है और लोकल पे है, बट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की जरूरत ही क्या है? तो वो इसीलिए, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री विच हैव वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज, देन इट सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन और लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्न द कम्युनिटीज। ठीक है, हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में बात किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उनके ऊपर एक सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि हम एक कंट्री जहां इतने सारे कम्युनिटीज रहते हैं, जहां की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना है, नेशनल यूनिटी को भी प्रिजर्व करना है, और साथ ही में सारे कम्युनिटीज के रिस्पेक्ट करते हुए हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है। उनके ऊपर इतनी बड़ी सिचुएशन थी, मतलब वो डायलेमा में थे कि अब क्या किया जाए। तो इसीलिए अब एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चल सकता हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री का नेचर कैसे कॉम्प्लेक्स है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो कहलाते हैं, बट हम एक पर्सन से तो हैंडल नहीं हो सकते ना। इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कम्युनिटीज है, डाइवर्स कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज भी एक तरीके की नहीं है। चलो पॉपुलेशन ज्यादा हुआ, चलो ठीक है, वो नहीं, एक बार पॉइंट गिनते हैं, बट कम्युनिटीज जो है सब अलग अलग, उनका ओरिजिन है, उनका कल्चर अलग है, और सभी को, सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चल सकता। इसी के लिए हमारे कंट्री में एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे है और फिर एक लोकल लेवल पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनकी पावर्स शेयर हो रही है, किसके किसके साथ शेयर हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ। वो इसीलिए क्योंकि एक पर्सन अगर हैंडल करता या एक ही लेवल का गवर्नमेंट होता, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती अगर हमारे कंट्री में, तो सारी पावर उन्हीं के पास होती। बट अब यहाँ पे क्या है, पावर को शेयर कर दिया है, जितने भी लेवल है हमारे कंट्री में, तीन लेवल है तो तीनों लेवल में पावर शेयर कर दिया गया है। ठीक है, ओके, तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाई डज अ कंट्री नीड फेडरलिज्म, तो आपको किस तरीके से लिखना है वो जानिए। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, वैसे ही मैंने बताया है, द वास्ट कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन। मतलब कि जैसे मैंने कहा था कि वास्ट कम्युनिटीज, ठीक है, रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक है,
हमारे कंट्री में बहुत सारी कम्युनिटीज रह रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो गवर्नमेंट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिवाइड, मतलब डिवाइड होना पड़ेगा। और जहाँ पहले सिर्फ एक हमारा जो कैपिटल सिटी हमारे कंट्री का, ठीक है, क्या है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो वहां पे न्यू दिल्ली में सिर्फ एक गवर्नमेंट बैठे उससे काम नहीं चल सकता। सिर्फ वहां पे बैठ के गवर्नमेंट जो है डिसीजंस बनाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे बनाए, सबके लिए बनाए, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला। इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, ठीक है, हमारे स्टेट्स में भी गवर्नमेंट की उतनी ही ज्यादा प्रेजेंस होनी जरूरी है, सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। क्योंकि सबसे बड़ी तो होती है कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो है हमारे इंडियंस और नेशनलिस्ट डिसीजन मेकिंग में लैग कर रहे थे, तो यहाँ यही मेक श्योर किया गया। तभी मैं कह रही रिलेट करते जाओ, अगर वीडियो नहीं देखे तो देख के आओ, क्योंकि ये नहीं समझ आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जो है उनके लिए जो कंसर्न था कि डिसीजन मेकिंग वाला, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए फेडरलिज्म को अपनाया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज है कि व्हाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स, ऑटोनॉमी मतलब उनके पास ये एक बेनिफिट है कि वो एक जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने स्टेट को किस तरीके से गवर्न कर सकता है, तो उनके पास ये पावर है ऑन सर्टन इश्यूज, ठीक है। सो दे ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि वो ऐसा कोई डिसीजन ना ले, ऐसा कोई लॉ ना बनाए जिसकी वजह से जो है कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके अगेंस्ट हो जाए वो लॉ, ठीक है। मतलब कि कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, डिफेंस हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड कुछ हो सकता है जो पूरे कंट्री पे लागू होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भलाई वो जो है अपनी पावर को एंजॉय कर रहा है, मतलब कि एक तरीके से वो अपनी स्टेट को किस बेटर वे में जो है डेवलप कर सके और ऐसे लॉज लेके आ रहा है इन अ गुड वे, बट उनको ये देखना पड़ेगा कि इससे पूरे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को कुछ हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो यही लिखा है कि व्हाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टन इश्यूज, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल ऑफ द स्टेट्स फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहीं कहीं मामलों में इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इनके गुलाम है, ये इनके नीचे है। यहाँ पे पावर जो है बहुत ही इक्वली डिवाइड की गई है, लेकिन क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वो सभी सिटीजन्स के लिए है रादर देन अ पर्टिकुलर स्टेट, किसी स्टेट को छोड़ के वो पूरे कंट्री के लिए बने जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज। तो उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा कुछ कुछ मामलों में, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे नोट करना, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट। अब देखो यहाँ पे डिटेल में इस चीज के बारे में लिखा नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है। ऐसी तीन लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। उन लिस्ट में लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन से ये इश्यूज है जिन पर उनको वर्क करना है, टॉपिक्स है जिन पर उनको वर्क करना है। साथ ही में स्टेट लिस्ट में स्टेट के इश्यूज लिखे जाएंगे, और कॉन्करेंट मतलब जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के कॉमन इंटरेस्ट की बातें हो गई, दोनों ध्यान दे सकते हैं उस पर, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। तो उन्हीं लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ईच टायर मतलब जो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो उस हिसाब से लॉ बनाएंगे उन इश्यूज को लेके, ठीक है। जो तीनों लिस्ट है वो उन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए जो ये है टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो सेंट्रल स्टेट और जो हमने सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी, लोकल गवर्नमेंट की बात करी, तो इन लिस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है लॉज बनाएंगे। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट ने जो काम किया उस स्टेट के लिए, तो उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, वो सोर्स कहाँ से है, क्योंकि एक स्टेट है सपोज, अब उसको उसके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे जाएंगे इस साल, और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा हमें करना है, इंडस्ट्रीज थोड़ी और खड़ी करनी है, स्कूल या हेल्थ या कहीं भी, तो सबसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने काम के लिए कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो हर चीज बहुत ही कह सकते हैं सिंप्लीफाई कर दी गई है, मतलब यहाँ पे कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। भलाई मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेकेंड लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे नीचे है, अथॉरिटी तो फिर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी है, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार आपको बता देती हूँ कि ये लिस्ट कौन सी है ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पे क्या है ना, लिस्ट में जैसे यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, कौन से मैटर्स होंगे, मैंने बहुत ही कम एग्जाम्पल लिखे हैं। वैसे तो लिस्ट में बहुत बड़ी लिस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है हर एक टायर के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यूनियन लिस्ट में लिखा गया है कि बैंकिंग के रिलेटेड मैटर्स,
फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड मैटर्स और करेंसी के रिलेटेड मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देगी, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये नेशनल इंटरेस्ट के। आज अगर करेंसी में चेंज आया है, हमें पता डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो ये पूरे कंट्री पे लागू होता है, कोई स्टेट के लिए तो हुआ नहीं है। साथ ही में स्टेट लिस्ट क्या कहती है, पब्लिक ऑर्डर। अब हर एक स्टेट में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब जरूरी है, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट के इंटरेस्ट हो गए। साथ ही में कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है, स्टेट के भी और सेंट्रल के भी और स्टेट के भी, ठीक है। इधर आगे सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें दोनों का जो है योगदान होगा पूरा पूरा, दोनों ही उसमें वर्क करेंगे उस चीज के लिए, ठीक है। जैसे मैरिज के इश्यूज हो गए, डिवोर्स के हो गए, जॉइंट फैमिली, पार्टीशन, ये सब जो कंसर्न्स होते हैं वो दोनों जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो लेक्चर को ओवर करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, और साथ ही में मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर में। और ये चीज याद रखना, स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं वो एजेंट नहीं है, ठीक है, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। उन्होंने अपनी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से खुद ली है, मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, वो किसी के अंडर में नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, किसके साथ मिलेंगे, टॉपिक जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।